हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही हो और सबका गैप भी बहुत अच्छे से चल रहा हो मेरे साथ। तो लास्ट क्लास में हमने कवर करा था प्रोविजंस में हमने सीखा था कि प्रोविज़न एक तरह से हमारा प्रॉफिट का पार्ट नहीं होते, बल्कि प्रॉफिट से एक एक्सपेंस हम निकाल देते हैं, उसको प्रोविज़न कहते हैं। हम ये चार्ज करते हैं प्रॉफिट पर, ना कि एप्रोप्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा था कि चार्ज हमारा जो होता है एक्सपेंस होता है, एप्रोप्रिएशन एक प्रॉफिट का पार्ट होता है। चार्ज चाहे प्रॉफिट आ रहा हो आपके पास, चाहे लॉस आ रहा हो, चार्ज तो हम चार्ज करेंगे ही, लेकिन एप्रोप्रिएशन तभी पॉसिबल है जब प्रॉफिट होगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद एक हमने छोटी सी इलास्ट्रेशन करी थी प्रोविजंस पे, तो वो था हमारा रिजर्व्स एंड प्रोविजंस वाला एक छोटा सा टॉपिक था जो ख़त्म हो गया था, ठीक है। उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं था। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है हमारा। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में आज जानेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपके फैक्चुअल क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। पिछली बार भी पेपर में क्वेश्चंस थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, तो इस पर थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और बहुत ईजी टॉपिक है, अगर आप एक बार ही समझ लेंगे इसको। इसमें कुछ भी कोई लंबे चौड़े कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी एंट्रीज हैं। आप एक बार ही उसको समझ लेंगे तो वो आपके जहन में बैठ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है प्रोमिसरी नोट्स का। तो प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं, तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये क्या कहता है कि अ प्रोमिसरी नोट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये एक राइटिंग में हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, मतलब एक प्रॉमिस है किसकी तरफ से, बनाने वाले की तरफ से, जिसने ये प्रोमिसरी नोट बनाया कि मैं कुछ पैसा भरूंगा, आई विल पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन, मतलब या तो सिर्फ एक व्यक्ति को या किसी व्यक्ति से आगे व्यक्ति को या फिर उसके धारक को, बेयरर को, किस चीज़ के, उस नोट के, ठीक है। तो प्रोमिसरी नोट हमारा होता है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने किसी के पैसे देने हैं, ठीक है, तो मैं लिखित में एक प्रॉमिस लिख दूंगा कि मैंने इतना पैसा इस व्यक्ति को पे करना है। चाहे ये कागज़ जिसके पास होगा मैं उसको भी पे कर सकता हूँ, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता था। लेकिन इसके बाद हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ने क्या कहा, 1934 वाले एक्ट ने कहा कि जो प्रोमिसरी नोट है पेबल टू द बियरर इज इलीगल, मतलब आप उसमें ये नहीं लिख सकते कि ये जिसके पास भी होगा मैं उसको पैसे दे दूँगा, ठीक है। आप सिर्फ जो आदमी उसके ऊपर स्पेसिफाइड है उसको ही पैसा दे सकते हो, बियरर को नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो प्रोमिसरी नोट दिखने में कैसा होता है, प्रोमिसरी नोट दिखने में कुछ ऐसा होता है। सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर आता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मतलब ये प्रोमिसरी नोट कहाँ बनाया गया। और राइट साइड पर आ जाती है हमारी डेट। उसके बाद क्या डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, आई द मेकर्स नेम, अग्री एंड प्रोमिस टू पे, पेइज नेम मतलब जिसको हमने पैसा देना है, और ऑर्डर ऑफ द सम, ये अमाउंट आ जाती है, और वैल्यू रिसीव्ड विद इंटरेस्ट एट द एनुअल रेट ऑफ, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन म्यूचुअली एग्री अपॉन होते हैं उसके हिसाब से इसमें सारी कंडीशंस आ जाती है, और बनाने वाले के हस्ताक्षर हो जाते हैं, यहाँ पर साइन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्पेसिफिक जो पार्टीज होती हैं, मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें, एक बनाने वाला और एक जिसको प्रॉमिस किया गया है, ठीक है। तो जो बनाने वाला होता है ड्रॉअर और मेकर, वो कौन होता है, वो होता है जो प्रॉमिस कर रहा है, जिसने पैसे देने हैं, ठीक है। पर्सन हु मेक्स और ड्रॉज द प्रोमिसरी नोट टू पे अ सर्टेन अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोमिसरी नोट, मतलब अगर मैं प्रोमिसरी नोट बना रहा हूँ तो वो मैं उसको पैसे ओ करता हूँ, और मैंने उसको पैसे कुछ देने हैं जो कि उसमें प्रोमिसरी नोट में स्पेसिफाई हो जाएगा। ड्रॉई और पेई कौन होता है, ड्रॉई और पेई वो होता है जिसके नाम पर ये प्रोमिसरी नोट बनता है। अभी हमने जैसे प्रोमिसरी नोट के फॉर्मेट में देखा, ये होता है ड्रॉई पेई, जिसको हम प्रॉमिस कर रहे हैं पैसा देने के लिए। पर्सन इन हुज फेवर द प्रोमिसरी नोट इज ड्रॉन, ठीक है, दैट इज टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, राइट। इसके बाद इसकी कुछ प्री कंडीशंस होती है प्रॉमिसरी नोट की कि ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी एक प्रॉमिसरी नोट लीगल एंड वैलिड माना जाएगा। सबसे पहले होता है ये राइटिंग में होना चाहिए। ओरली मैं आपको प्रॉमिस करूँगा उसका कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल उसकी लीगैलिटी नहीं होगी कुछ भी। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि जो भी आपका प्रॉमिसरी नोट है वो राइटिंग में होना चाहिए। उसके बाद उसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस पर कोई कंडीशन रख दें कि आप ये सामने वाली पार्टी कुछ ऐसा करेगी तो मैं इसको पैसे दूंगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता। उसमें सिर्फ अनकंडीशनल प्रॉमिस ही चल सकता है। द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, जो हम आपकी अमाउंट है वो स्पेसिफिकली मैंशनड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आई विल पे सम अमाउंट ऑफ मनी, नहीं हो सकता। उसमें सम की जगह वो एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 100 लाख हो, चाहे जितनी मर्जी हो, राइट। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है उसके साइन तो ज़रूरी है, वरना उसकी पता कैसे चलेगा कि उसने ही बनाया है, राइट। द मेकर मस्ट बी सर्टेन, अब जो साइन कर रहा है वो उसका भी नाम स्पेसिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुप्त दान किया है, राइट। द पे मस्ट बी सर्टेन, मतलब जिसको हमने पे करना है पैसा उसका भी नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। बियरर को हम पेबल नहीं कर सकते हैं एज पर हमारा आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, जो आपका लीगल स्टैम्प्स है वो हो जानी, उस पर स्टैम्पिंग हो जानी चाहिए, वो जो नोटरी वोटरी की स्टैम्पिंग होती है, राइट। और ये लास्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका डिफरेंस एक आपका फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अगर हम डेफिनेशन देखें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि इट इज़ पेएबल टू द बियरर, बट उसमें एक स्टार लगाकर आरबीआई एक्ट ने कह दिया था कि इट इज़ नॉट पेएबल टू द बियरर, राइट। तो ये था हमारा प्रॉमिसरी नोट, ये एक छोटा सा टॉपिक था तो ज़रूरी था कवर करना। जो हमारा बड़ा टॉपिक है, जो बड़ा शेयर है, वो है हमारे पास आज है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जैसे हमारे पास प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस था, वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जो पैसे लेना चाहता है, जिसने पैसे लेने हैं, वो एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसमें लिखा होता है कि भाई तुमने, सामने वाले ने मुझे इतना पैसा देना है तो तुम इस तारीख को पैसा दोगे, ठीक है। तो पहला फ़र्क आ गया हमारे पास कि जो पहले जो हमारे पास बनाने वाला था वो था जिसने पैसे लेने हैं, अब जो बनाने वाला था उसने पैसे देने थे, अब जो बनाने वाला है उसने पैसे लेने हैं, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन इसकी भी देख लेते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अगेन राइटिंग में होगा जो भी डॉक्यूमेंट होगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जो इसमें कंडीशन कोई नहीं हो सकती है, साइंड बाय द मेकर, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument, ठीक है। इसमें जो है bearer allowed हो जाता है। तो जो bill of exchange होता है इसमें सबसे फ़र्क, जो एक मेजर फ़र्क है वो क्या आ जाता है प्रॉमिसरी नोट से? प्रॉमिसरी नोट बनाने वाले को सामने वाले की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने पैसा देना है तो सामने वाला तो 110% भी एज्यूम कि वो मना नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो सामने वाले की रजामंदी ज़रूरी है कि हाँ एक्चुअली अगर वो आपको एग्री करता है तभी आप उससे पैसे लेने के लिए लीगली बाइंड होते हैं। अन्यथा अगर आपके पास उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसने मुझे पैसे देने हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस से पहले हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्राफ्ट कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद उसे एक्सेप्टेंस कहा जाता है। ये एक्सेप्टेंस इसमें बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है। इस तरह का आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखने में लगता है। सबसे मेजर जो फर्क है वो आ गया एक्सेप्टेड एंड साइन, ठीक है। एक्सेप्टेंस, सामने वाले की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। इसके फीचर्स पर एक बारी नज़र डाल देते हैं। इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट इज़ एन ऑर्डर टू पे मनी ओनली, ठीक है। आप किसी और चीज़ के लिए उसको ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि आप मुझे हाथी देंगे, आप मुझे घोड़ा देंगे, नहीं, सिर्फ मनी में, मनी के टर्म्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज़ हो सकता है। द ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज़ अनकंडीशनल, द मेकर मस्ट साइन द बिल, द मेकर ऑफ द बिल मस्ट साइन इट, द पेमेंट मस्ट बी टू सर्टन पर्सन। ये सेम थोड़े थोड़े जो हमारे जो कंडीशंस थी वो उसके जैसे ही हैं प्रॉमिसरी नोट की, एक तरह से प्रॉमिसरी नोट जैसा ही होता है। ये भी फ़र्क मेजर जो इसमें था वो एक्सेप्टेंस का था, राइट। The date on which payment is made is also be certain, जो आपकी डेट है, जो प्रॉमिसरी नोट था उसमें डेट का इतना इशू नहीं होता है, उसमें जो पेबल डेट होती है वो नहीं इशू, वो ज़रूरी नहीं है मेंशन करना, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक पर्टिकुलर डेट मेंशन होनी चाहिए। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी पेबल टू अ सर्टन पर्सन, अगेन द पर्सन टू बी पेड इज टू बी स्पेसिफाइड। द नेम ऑफ द ड्रॉई मस्ट ऑल्सो भी क्लियरली मैंशन, जिससे पैसा लेना है उसका नाम भी क्लियरली मैंशन होना चाहिए। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, जो आपकी स्टैंपिंग या नोटरी वगैरह वाली वो सही से होनी चाहिए, अन्यथा बिल को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब क्या हो सकता है, पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक तो बनाने वाला हो सकता है, ठीक है, एक जिसमें पैसे देने हैं वो हो सकता है, और एक जिसमें पैसे लेने हैं वो भी हो सकता है। तो वो कैसे होगा, सपोज कीजिए दो लोगों ने आपस में एक डील करी, राइट, उनके लिए उनको उसकी उनकी डील को लीगल करने के लिए मैंने एक बिल बनाया जिसमें मैंने कहा कि एक्स हम ले लेते हैं, बायर था हमारा, वाई हम ले लेते हैं सेलर, ठीक है। तो मैंने एक्स को ऑर्डर कर दिया एक बिल बना के कि भाई तुमने 2 महीने बाद वाई को 10,000 रुपये देने हैं जो तुमने सामान लिए उसके प्रति, ठीक है। तो इसमें ड्रॉअर कौन हो गया, मैं हो गया, ड्रॉई कौन हो गया, वाई हो गया, सॉरी जो ड्रॉई हो गया वो हो गया हमारा बायर क्योंकि इसने पैसे देने हैं, राइट, और पेई कौन हो गया, पैसा मिलना किसको है, वाई को। तो इसमें 3 पार्टीज पॉसिबल हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। सबसे पहले हमारे पास ड्रॉअर आ जाता है, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, या वो ये सेम आदमी भी हो सकता है जिसको पैसे मिलने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ड्रॉई आ जाता है जिसके ऊपर जिसके नाम पर बिल बनाया जाता है, जो पैसे जिसने देने हैं, हु ओज द मनी। उसके बाद पेई आ जाता है जिसको पैसे राइट है रिसीव करने का। तो ये पेई और ड्रॉयर ये दोनों आदमी सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सेम ही होंगे और ज़रूरी नहीं है कि अलग ही होंगे, राइट। तो इसके बाद हमारे पास सामने आ जाता है डिफरेंस इन दोनों का, ठीक है। तो डिफरेंस अभी हमने देखा, डिफरेंस हम इजीली समझ भी सकते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसने बनाया, जिसने पैसे लेने थे, ठीक है, इट इज़ ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। और प्रॉमिसरी नोट बनाया था जिसने पैसे देने थे, मैंने पैसे देने थे तो मैंने प्रॉमिस लिख के दिया था, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, देयर कैन बी 3 पार्टीज, इट शुड बी पार्टीज ठीक है। ड्रॉ, ड्रॉई और पेई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, ड्रॉअर और पेई। इसमें कोई और प्रॉमिस नहीं कर सकता किसी और के बिहाफ पर, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर एंड पेई कैन बी सेम पर्सन, लेकिन ड्रॉअर कैन नॉट बी द पेई, क्योंकि यहाँ 2 ही पार्टीज हैं। ड्रॉअर वो है जिसको पैसे नहीं मिलने हैं, ठीक है। इन केस ऑफ डिसऑनर, अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर साइन करके पैसे नहीं देते हो तो ड्यू नोटिस आपको मिल सकता है, लेकिन प्रॉमिस अगर आप तोड़ते हो तो नो नोटिस इज नीडेड, ठीक है। आपको नोटिस नहीं होता, आप सिर्फ एक नया प्रॉमिसरी नोट बना लेते हैं जिसमें आपके नए कंडीशंस हो जाते हैं। इतनी मच लीगैलिटी नहीं होती है प्रॉमिसरी नोट की जितनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमें मिल जाती है, ठीक है। तो अब आप प्रॉमिसरी नोट को कुछ समय के लिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये सिर्फ आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए था, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कुछ नहीं है पेपर के उस पर। जो मेजर पोर्शन है वो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही है, तो इससे रिलेटेड ही हम कंसेप्ट करेंगे, हमारी अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज पे आ जाती है डेट, ठीक है। डेट लिखी होती है, चाहे वो हमारा कोई भी नोट हो उस पर डेट लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस डेट से फ़र्क क्या पड़ता है, अगर हम डेट ना भी लिखें तो क्या होगा, तो साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डेट से ही आपका जो टेन्योर है, जो उसका ड्यू पीरियड है वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। टेन्योर क्या होता है, टेन्योर वो पीरियड होता है जो बिल बनाया और जो बिल मैच्योर हुआ, मतलब उसकी पेमेंट ड्यू हुई, उसके बीच का समय को हम कहते हैं उसका टेन्योर, बिल का टेन्योर। तो सवाल में अगर ये टेन्योर डेज में दिया होगा आपको, कि ये 10 दिन है, 30 दिन है, 50 दिन है, तो आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो भी दिनों में करेंगे। जैसे अगर आपको 1 जून को एक बिल बनाया आपने और उसमें डेट दी है 32 दिन, तो आप 30 दिन जून के गिनेंगे और 2 दिन जुलाई के गिनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सवाल में दिया ये अगर सवाल में ये जो समय है ये मंथ्स में दिया होगा, तो आप दिनों में नहीं सोचेंगे, मतलब ये नहीं सोचेंगे कि जून में 30 दिन है या 31 दिन है या किसी भी महीने में कितने दिन है, सिर्फ आप महीनों की स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे, इग्नोरिंग द डेज इन अ पर्टिकुलर मंथ, राइट। तो अब डेट ऑफ बिल थी, डेट ऑफ बिल उसमें 2 हो सकती हैं, एक हो सकता है जब बिल बना, एक हो सकता है जब एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। हमारे पास 2 स्टैम्प थी बिल पे, एक एक्सेप्टेड की थी और एक मेकिंग वाली थी। तो अगर ये बिल है आफ्टर साइट, इफ द बिल इज आफ्टर साइट, तो ये पीरियड, ये टेन्योर हम कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। लेकिन अगर बिल है आफ्टर डेट, अगर हमें दिया है द बिल इज आफ्टर डेट, तो हम जो हमारा पीरियड है, हमारा टेन्योर है, ये कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ राइटिंग से, डेट ऑफ मेकिंग द बिल से। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अपने जहन में बिठा लीजिए तो कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं बचेगा, ठीक है। एक इसमें कंसेप्ट होता है डेज ऑफ ग्रेस वाला, उसमें वो ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है कि कोई भी आपका जितना भी पीरियड था बिल का, उसमें आप जब भी बिल की ड्यू डेट निकालेंगे उसमें 3 दिन ऐड कर देंगे। ये जो कंसेप्ट है ये हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से आया है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है कि चाहे आपका ये दिन जो ड्यू डेट थी आपकी 1 महीने बाद की थी या 3 महीने बाद की थी या 1 साल बाद की थी या 10 दिन बाद की थी, तो इसमें आप जब भी उसकी ड्यू डेट निकालेंगे इसमें 3 दिन अपनी तरफ से ऐड कर देंगे उसको, पेमेंट उसको ड्यू करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक हमारे पास होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, होता है पेबल ऑफ डिमांड। पेबल ऑफ डिमांड बिल क्या कहता है, वो कहता है कि जब भी ये बिल प्रेजेंट हो जाएगा, जब भी मैं ये बिल लेकर सामने जिससे मैंने पैसे लेने उसके पास पहुंच जाऊंगा कि भाई पैसे दो, चाहे वो अगले ही मिनट क्यों ना हो, तो वो पैसा उसको देना पड़ेगा। वो बिल होते हैं पेबल ऑफ डिमांड, उसमें हम ग्रेस पीरियड नहीं जोड़ते हैं, उसमें ग्रेस पीरियड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इफ़ द बिल इज़ पेबल बाय इंस्टॉलमेंट, सपोज कीजिए मैंने 1 लाख रुपए का सामान लिया किसी से, उसने मुझे बिल बना के दे दिया कि आप ये 10 किश्तों में देना, पैसे हर महीने मुझे 10,000 रुपये देंगे, तो हर महीने मुझे 3 दिन ग्रेस के भी मिलेंगे, मतलब 1 महीना 3 दिन बाद ही ये जो बिल है वो ड्यू होगा ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। ये जो ग्रेस पीरियड है 3 डेज ऑफ ग्रेस, ये ईच इंस्टॉलमेंट पे मिलेंगे, ठीक है। ड्यू डेट क्या थी, ड्यू डेट वो डेट थी हमारे पास जिस दिन वो बिल मैच्योर हो रहा है, जिस दिन उसकी पेमेंट ड्यू हो रही है, ठीक है। जो भी बिल पेबल ऑन डिमांड नहीं होता, पेबल ऑन डिमांड बिल तो जिस दिन वो उसकी डिमांड जनरेट हो गई, जिस दिन वो प्रेजेंट हो गया उस दिन उसकी ड्यू डेट हो गई, ठीक है, या साइट और प्रेजेंटेड, ठीक है। लेकिन इनके अलावा जो भी बिल होते हैं वो 3 दिन बाद, उनके जब भी उसका टेन्योर ख़त्म होता है उसके 3 दिन बाद ड्यू हो जाते हैं सामने वाले की, लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है उसको पे करने की। अब सपोज कीजिए कि ये जो 3 दिन ख़त्म हुए ये पब्लिक हॉलीडे है, उस दिन तो संडे था, हमने 3 दिन जोड़े तो संडे था, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि उससे पिछला दिन, उससे पिछला वर्किंग डे, बिजनेस डे, हमें उसकी ड्यू डेट मान ली जाएगी। सपोज कीजिए मेरा जो बिल था वो संडे को ड्यू हो रहा था, तो सैटरडे उसकी ड्यू डेट मान ली जाएगी। सैटरडे भी छुट्टी होगी अगर पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है, अगर कोई दिवस था सैटरडे को तो फ्राइडे हो जाएगा वो। लेकिन अगर ये जो संडे था, संडे की बजाय मंडे होता, लेकिन मंडे को किसी फेमस एमिनेंट पर्सनैलिटी की सपोज कीजिए आप डेथ हो गई और इमरजेंसी हॉलीडे हो गई स्टेट में, तो उस केस में हमारा मंडे अगर हम सोच रहे थे कि हमारी ड्यू डेट है, तो उसकी बजाय संडे होने की बजाय वो ट्यूसडे हो जाएगी। एमरजेंसी हॉलीडे के केस में वो सक्सीडिंग बिजनेस डे बन जाएगा और पब्लिक हॉलीडे के केस में ये प्रीसीडिंग बिजनेस डे होगा, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही था। अगली क्लास में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को निश्चित तौर से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसको आपको एक ही क्लास में मैं आपको सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके समझा दूंगा, एक सिंगल पेजर पे समझ आ जाएंगे। अगली क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई दिक्कत लगती है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इम्प्रूव अपॉन माई नॉलेज, राइट। ओके, थैंक यू।